नमस्कार सभी को। मैं प्रशांत शर्मा नव भारतीय स्टडी सर्किल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, हम प्रत्यय का प्रकरण पढ़ रहे थे, उसमें हमने कृत प्रत्यय को पढ़ लिया था। आज हम कृत प्रत्यय का कुछ भाग जो रह गया है उसको पढ़ेंगे और उसके बाद में हम तद्धित प्रत्यय की ओर चढ़ करके उसका अध्ययन करेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं। देखिए, यानी कि एक हमारा कौन सा प्रत्यय है, इणी प्रत्यय, इणी प्रत्यय, इणी यानी इन, इणी यानी इन, ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें क्या कह रहा है कि कर्ता, कर्ता अर्थ में गृह आदि धातुओं से इणी इन प्रत्यय का योग किया जाता है। यानी कि कर्ता अर्थ में गृह आदि जो धातुएं हैं उनसे धातुओं से इन्हीं जो प्रत्यय है उसका क्या किया जाता है, योग किया जाता है। यानी कि गृह आदि जो धातुएं हमारी हैं उनसे इन्हीं प्रत्यय को मिला करके उनका योग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा इन्हीं प्रत्यय हो गया। जैसे ग्रह धातु, ग्रह धातु और इन्हीं प्रत्यय, ठीक है, ग्रह धातु और इणी प्रत्यय, तो इसका क्या बन गया, इन दोनों का जो योग करेंगे उनका बन गया ग्राहीन, ग्राहीन। ग्राहीन का अर्थ क्या होता है दोस्तों, ग्राही, ठीक है ना। ग्राहीन का अर्थ होता है ग्राही या ग्रहण करना, ठीक है दोस्तों। यानी कि ग्राहीन का अर्थ हमने देख लिया ग्राही। यहाँ पर हमने जो है वो कर्ता के अर्थ में, यानी कि का जो कार्य कर रहा है, जो कर्ता है, उसके अर्थ में हमने गृह आदि धातुओं में इणी प्रत्यय का योग किया है, ठीक है। दूसरी देखिए, स्था धातु इणी प्रत्यय, स्था धातु इणी प्रत्यय का क्या होगा, स्थायिन, स्थायिन, स्थायिन में क्या होता है, स्थायिन का अर्थ क्या होता है अपने, स्थायी, ठीक है। कोई भी चीज स्थायी होती है तो उसको क्या बोल देंगे हम, स्थायी या स्थायी, ठीक है ना दोस्तों। इसमें सर, साल, साल क्या है, साल धातु इणी प्रत्यय, तो इसका बन गया शालीन, शालीन। शालीन का अर्थ क्या होता है दोस्तों, शाली, ठीक है। यानी कि हमने शाल धातु जो है और इन्हीं प्रत्यय को किया है तो उसका हमारे शालीन बन गया, और साल, शालीन को अर्थ क्या होता है, शाली, ठीक है दोस्तों। इसके आगे देखिए, दा धातु और इणी प्रत्यय, दा धातु और इणी प्रत्यय, तो इन दोनों का योग हम करेंगे तो हमारा बन गया दायिन, दायिन में कौन सी है, दायिन का अर्थ क्या होता है, दाई, ठीक है ना। यानी कि हमने इणी प्रत्यय जो है उसमें हम कर्ता के अर्थ में गृह आदि धातुओं को इणी में जोड़ रहे हैं, और जैसे गृह प्लस इणी तो ग्राहीन, इसका अर्थ हो गया ग्राही, और स्था प्लस इणी तो स्थायी, इसका अर्थ क्या हो गया दोस्तों, स्थायी, ठीक है। साल प्लस इणी तो सालिन, इसका अर्थ क्या हो गया, साली, और दा प्लस इणी तो दाइन, इसका अर्थ हो गया दाई, ठीक है दोस्तों। ये हमने कौन सा प्रत्यय देखा, इणी प्रत्यय। इसके बाद में कौन सा आ गया हमारा, कर्तवाचक नुवुल तथा तृच प्रत्यय, कर्तवाचक नुवुल तथा तृच प्रत्यय, ठीक है दोस्तों। देखिए, कर्ता अर्थ में क्या कह रहे हैं, कर्ता अर्थ में किसी भी धातु से नुवुल वु तथा तृच त्र प्रत्ययों का योग किया जाता है। यानी कि कर्ता के अर्थ, कर्ता अर्थ में किसी भी धातु से नुवुल वु तथा तृच त्र प्रत्ययों का क्या किया जाता है, योग किया जाता है। किसी भी धातु से, जो कर्ता के अर्थ में किसी भी धातु से नुवुल तथा तृच प्रत्ययों का हमें योग किया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। वो का क्या, अक हो जाता है, वो का क्या हो जाता है, अक हो जाता है, और नुवुल के लगने पर धातु के अंत में स्थित स्वर, नुवुल के लगने पर धातु के अंत में स्थित स्वर की क्या हो जाती है, वृद्धि
होती है, इनकी बाद में क्या कह रहे हैं कि वू का अक हो जाता है और नोबल के लगने पर धातु के अंत में इस्ते स्वर की वृद्धि हो जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में देखिए तथा उपधा स्थित लघु वर्ण का गुण हो जाता है और वहां पर जो स्थित लघु वर्ण जो है यानी कि छोटा वर्ण जो है उसका क्या हो जाता है, गुण होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि हम यहाँ पर जो है कर्तवाचक और नुबल तथा तृच प्रत्यय को जान रहे हैं कि कर्ता में किसी भी धातु से नुबल वु तथा तृच त्र प्रत्ययों का योग हम कर रहे हैं। ठीक है, योग किया जाता है और वो का क्या हो जाता है, अप हो जाता है, नोबल के लगने पर धातु के अंत में स्थित स्वर की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है तथा उपधा स्थित लघु वर्ण का गुण हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हमने देख लिया। अब इसके आगे हम इसको उदाहरणों को देखते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए उदाहरणों में क्या है कि पच धन पच धातु नुबुल प्रत्यय अक। ठीक है ना, ठीक, इसमें क्या हो गया, पाचक। ठीक है ना, यानी कि इसको पच धातु और नुबुल प्रत्यय को जोड़ेंगे या अक को जोड़ेंगे तो ये प और अ को जोड़ेंगे तो आ हो जाएगा, तो क्या हो गया, पाचक। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाता है, पाचक। देखिए देखिए हम यहाँ पर नुबुल प्रत्यय को जोड़ रहे हैं तो हमारा पाचक बन जाए। ठीक है, श्रु धातु नुबुल प्रत्यय तो इसका क्या बन गया, श्रावक, श्रावक। ठीक है, पठ धातु प्लस नुबुल प्रत्यय करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, पाठक। ठीक है ना, उसके बाद लिख धातु और नुबुल प्रत्यय करेंगे तो लेखक। ठीक है ना, लिख धातु का नुबुल प्रत्यय करेंगे तो इनका योग क्या हो जाएगा, लेखक। उसके बाद नृत धातु नुबुल प्रत्यय करेंगे तो नर्तक। ठीक है, इसके बाद देखिए सिच धातु और नुबुल प्रत्यय करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, सीचक। प्र धातु प्लस आप ये प्लस नुबुल प्रत्यय करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रापक। ठीक है ना, इसका क्या बनेगा दोस्तों, प्रापक। प्रधातु प्लस आप प्लस नुबुल प्रत्यय करेंगे तो हमारा प्रापक बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए त्रस धातु नुबुल प्रत्यय, ठीक है तो त्रासक, यानी कि इसमें हम अक का भी योग कर रहे हैं। ठीक है, नुबुल का अर्थ क्या होता है, अक भी होता है। ठीक है, नी धातु प्लस नुबुल प्रत्यय तो अक, तो इसका क्या हो गया, नायक। ठीक है, ग्रह धातु प्लस नुबुल प्रत्यय तो इसका क्या बन गया दोस्तों, ग्राहक है ना। और हंग धातु प्लस त्रच प्रत्यय को करेंगे तो हंत्र, हंत्र, तो हंत्र का क्या बन जाएगा दोस्तों, हंता। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं अपन, त्रच कर रहे हैं तो हं धातु प्लस त्रच तो इसका क्या बन जाएगा दोस्तों, हंता। और जी धातु प्लस त्रच करेंगे तो जिंता, जेता। ठीक है, जृत्र, इसका जृत्र रूप बन रहा है लेकिन अपना क्या बन जाएगा, जेता। ठीक है, उसके बाद श्रु धातु प्लस त्रच प्रत्यय करेंगे तो श्रोत्र, तो इसका हो जाएगा श्रोता। ठीक है दोस्तों, यानी कि हम जो है इसमें धातु के साथ में जो है नुबुल जो प्रत्यय है उसका योग कर रहे हैं तो इसमें पच धातु नुबुल प्रत्यय पाचक, श्रु धातु नुबुल प्रत्यय श्रावक, पट धातु नुबुल प्रत्यय पाठक, नृत धातु नुबुल प्रत्यय नर्तक और लिख धातु नुबुल प्रत्यय लेखक और सिच धातु नुबुल प्रत्यय सेचक और प्रधातु प्लस आ प्लस नुबुल प्रत्यय तो प्रापक। ठीक है, और त्रस त्रस धातु नुबुल प्रत्यय त्रासक, नी धातु प्लस नुबुल प्रत्यय नायक और ग्रह धातु प्लस नुबुल प्रत्यय तो ग्राहक और हन धातु प्लस त्रच प्रत्यय तो हंत्र, तो इसका बन जाएगा हंता। और जी धातु प्लस नुबुल जी धातु प्लस त्रच
का जेत्रह तो इसका हमारे जेता बन जाएगा। तो श्रोत धातु प्लस त्रिच तो श्रोत्र यानी कि श्रोता बन गया। ठीक है दोस्तों, इसके आगे हम अब और भी उदाहरण देखते हैं। देखिए देखो नी धातु प्लस त्रिच प्रत्यय करें तो नेत्र तो इसका क्या बन गया नेता। ठीक है, इसके बाद दा धातु प्लस त्रिच प्रत्यय करेंगे तो दात्र तो इसका क्या बनेगा दोस्तों दाता है ना। और क्र धातु प्लस त्रिच प्रत्यय करेंगे तो क्या बन जाएगा कृत्र कर्ता तो इसका क्या बनेगा दोस्तों कर्ता। ठीक है ना, इसका क्या बनेगा कर्ता बन जाएगा, कर्ता बन जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद कथ प्लस त्रच तो कथ्यर्थ तो इसका क्या बनेगा कथ्यता। ठीक है ना, यानी कि हम जो है इसमें धातुओं के साथ में त्रिच प्रत्यय का योग कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में देखिए बच धातु त्रिच प्रत्यय तो क्या वक्त्र तो इसका क्या वक्त्र का क्या हो जाएगा तू वक्ता, यानी कि उसमें क्या हो रहा है हमारे जो है उसमें नूल प्रत्यय कर रहे हैं तो पावक नायक नर्तक ये सारे उसमें बन रहे हैं। और त्रस को करने से नेता दाता कर्ता कथेता इत्यादि हम इसमें बना रहे हैं। ठीक है, ये हमारा कौन सा हो गया मतलब त्रच और नूल प्रत्यय को हमने देख लिया। इसके बाद में कौन सा हो गया इत्यंती प्रत्यय, तीन प्रत्यय का क्या है भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए धातु के साथ इत्यंति प्रत्यय का प्रयोग होता है। यानी कि क्या बोल रहा है भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए धातु के साथ इत्यंति प्रत्यय का प्रयोग होता है। यानी कि भाववाचक जब हम संज्ञा बनाएंगे तो धातु के साथ जो है वो इत्यंति प्रत्यय का प्रयोग होता है। ठीक है, इक्तिर प्रत्यांत शब्द नित्य स्त्रीलिंग होते हैं और इक्तिर प्रत्यांत जो शब्द होते हैं वो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आई बात, यानी कि इक्तिर प्रत्यय में भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए धातु के साथ में इक्तिर प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में इक्तिर प्रत्यांत शब्द जो है वो हमेशा क्या होते हैं स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, इनके रूप मति शब्द रूपों की भांति चलते हैं और इसके रूप जो है वो मति शब्द की भांति से चलते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमें इसमें भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए धातु के साथ इत्यंत प्रत्यय का प्रयोग करना है और इत्यंत प्रत्यांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं और इसमें जो है इसके रूप हमेशा कैसे चलते हैं मति की तरह चलते हैं। जैसे उदाहरण देख लेते हैं श्रु धातु इत्यन प्रत्यय, श्रु धातु इत्यन प्रत्यय तो इसका क्या बन गया श्रुति ही। ठीक है ना, श्रुति ही। इस आगे देखिए भी धातु प्लस इत्यन प्रत्यय तो इसका क्या बन गया भीति ही। ठीक है, क्री धातु प्लस इत्यन प्रत्यय तो इसका क्या बन गया कृति ही। ठीक है, और भज धातु प्लस इत्यन प्रत्यय तो इसका क्या बन गया भक्ति। यानी कि हम यहाँ पर श्रु धातु में अगर इक्ते प्रत्यय को जोड़ते हैं तो श्रुति बन जाता है, श्रुति बन जाता है और भी धातु में इक्ते प्रत्यय को जोड़ते हैं तो भीति बन जाता है और कृत धातु में इक्ते प्रत्यय को जोड़ेंगे तो कृति बन जाएगा और भज धातु में इक्ते प्रत्यय को जोड़ेंगे तो भक्ति ही बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा अब इसका एक और भी हम देखते हैं। देखिए दृश्य धातु और इक्तिन प्रत्यय, दृश्य धातु और इक्तिन प्रत्यय में क्या बन जाएगा दृष्टि ही, दृष्टि ही। तो इसका क्या हो गया दृश्य धातु और इक्तिन प्रत्यय को करेंगे हम तो क्या हो गया दृष्टि ही। और मन धातु और इक्तिन प्रत्यय को करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों मति ही। ठीक है ना, मति ही। और बुध धातु प्लस इक्तिन प्रत्यय को हम करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा बुद्धि। और बच धातु प्लस इक्तिन प्रत्यय हम करेंगे, इनका योग करेंगे बच धातु और इक्तिन प्रत्यय का तो उक्ति। ठीक है, प्र प्लस आ प्लस इक्तिन प्रत्यय तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों प्राप्ति, प्र
प्राप्ति, है ना। और स्तु धातु प्लस इक्तिम प्रत्यय को हम करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, स्तुति, ठीक है ना। यानी कि हम के कौन कौन सा देख लिया, त्रच, इक्तिम और लुगुल प्रत्यय को हमने यहाँ पर देख लिया। अब इसके आगे हम कौन सा देखेंगे, इसके आगे हम ल्युट प्रत्यय को देखेंगे। इसके आगे हम तो ल्युट प्रत्यय में क्या बोल रहा है, ल्युट यू प्लस अल, ठीक है ना, ल्युट यू प्लस अल, ठीक है ना दोस्तों। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए धातु से ल्युट ल्यु अन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद देखिए, जैसे इस प्रत्यय के यू, यू बराबर क्या होता है, अन को धातु के साथ जोड़ा जाता है। यानी कि भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए धातु से ल्युट प्रत्यय का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, योग करते हैं और इस प्रत्यय के यू को क्या हो जाता है, अन हो जाता है और अन को धातु के साथ क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। यानी कि ल्युट प्रत्यय में यू को अन हो जाता है और भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए हमें धातु के साथ में ल्युट प्रत्यय का योग करना है, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद देखिए, ल्युट प्रत्ययांत शब्द प्राय कौन से होते हैं, नपुंसकलिंग होते हैं। ल्युट प्रत्ययांत शब्द कैसे होते हैं, नपुंसकलिंग होते हैं, क्योंकि ल्युट प्रत्यय का अर्थ, क्योंकि ल्युट प्रत्यय का अर्थ भाव से होता है। ल्युट प्रत्यय का अर्थ किससे होता है दोस्तों, भाव से होता है, ठीक है। इसके रूप फल शब्द की तरह चलते हैं, उसके रूप कौन से तरह चले थे, मति की तरह। इसके रूप किसके चले तरह चलेंगे, फल शब्द की तरह। इक्तिम में क्या कर रहे थे हम, स्त्रीलिंग कर रहे थे, ठीक है, और मति की तरह रूप चला रहे थे, ठीक है ना। अब इसमें क्या कर रहे हैं कि भाववाचक संज्ञा जो है उसका, उसको जो है धातु बनाने के लिए ल्युट प्रत्यय का प्रयोग हम कर रहे हैं और इसमें अन को यू या एम के साथ जोड़ा जाएगा, है ना। और इसमें नपुंसकलिंग हमेशा होता है, जो ल्युट प्रत्ययांत जो शब्द होते हैं वो नपुंसकलिंग होते हैं, क्योंकि ल्युट प्रत्यय का अर्थ भाव से होता है। इसके रूप फल की तरह चलते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में इसको उदाहरणों को देखते हैं हम, जैसे देखिए भू लुट, है ना, लुट यू को क्या हो जाएगा, अन, तो भवनम, भवनम, ठीक है ना दोस्तों। इसका क्या बन जाएगा, भवनम। यानी कि भू धातु और लिट प्रत्यय का हम योग करेंगे तो हमारा बन गया भवनम। यू को हम क्या कर रहे हैं, अन कर रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। देखिए आगे देखते हैं, देखिए दोस्तों, जैसे पा धातु लिट प्रत्यय, ठीक है, यू को अन कर दिया तो इसका क्या बन गया, पानम, ठीक है ना। इसका क्या बना दिया हमने, पानम बना दिया, ठीक है। इसके बाद में श्रू प्लस लिट, श्रू धातु लिट प्रत्यय तो इसका क्या बना दिया हमने दोस्तों, श्रवणम, ठीक है। गम धातु प्लस लिट प्रत्यय तो गमनम, ठीक है। इसके बाद पठ धातु प्लस लुट प्रत्यय तो पठनम, है ना। उसके बाद लिख धातु प्लस लुट प्रत्यय तो लिखनम, ठीक है। यानी कि अनम बाद में आ रहा है, अन को क्या है, जोड़ रहे हैं हम, ठीक है ना। यू के स्थान पर क्या कर रहे हैं, अन जोड़ रहे हैं, ठीक है। दा धातु प्लस लुट प्रत्यय तो दानम, भज धातु प्लस लुट प्रत्यय तो भजनम, ठीक है। हन धातु प्लस लुट प्रत्यय तो क्या हो जाएगा, हननम, है ना। और उसके बाद में ग्रह धातु प्लस लुट प्रत्यय को क्या करेंगे हम, ग्रहणम, है ना। और यज धातु प्लस लुट प्रत्यय को हम जोड़ेंगे तो इसका हो गया यजनम, ठीक है ना दोस्तों। गण धातु प्लस लुट प्रत्यय तो गणनम, ठीक है। इसके बाद देखिए, पाल धातु प्लस लुट प्रत्यय को जोड़ेंगे तो हमें क्या हो गया, पालनम, है ना। और सेव धातु प्लस लुट प्रत्यय को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, सेवनम। यानी कि हम यहाँ पर धातुओं के साथ लुट प्रत्यय का योग कर रहे हैं और यू के स्थान पर हम क्या कर रहे हैं, अन कर रहे हैं। तो पा धातु लुट प्रत्यय को करेंगे तो पालनम, श्रु धातु और लुट प्रत्यय करेंगे तो श्रवणम,
गम धातु प्लस रूट प्रत्यय करेंगे तो गमनम, और पट धातु प्लस रूट प्रत्यय को जोड़ेंगे तो पठनम, और लिख धातु प्लस रूट प्रत्यय को जोड़ेंगे तो लेखनम, है ना, और दा धातु प्लस रूट प्रत्यय को जोड़ेंगे तो दानम, और भज धातु प्लस रूट प्रत्यय को जोड़ेंगे तो भजनम, और हन धातु प्लस रूट प्रत्यय को जोड़ेंगे तो हननम, और गृह धातु प्लस रूट प्रत्यय को हम जोड़ेंगे तो गृहणम हमारा बन जाएगा। इसी प्रकार यज धातु लुट प्रत्यय है ना, यू को अन हो रहा है तो यजनम, गण धातु प्लस रूट प्रत्यय यू को अन हो रहा है तो गणनम, है ना। उसके बाद में पाल धातु लुट प्रत्यय यू को अन हो रहा है तो क्या हो गया, पालनम। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए सेव धातु प्लस लुट प्रत्यय यू को अन हो रहा है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सेवनम, है ना। ये हमने क्या देख लिया, लुट प्रत्यय को देख लिया। अब इसके आगे हम देख रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर हमने लुट प्रत्येक तक जो है वो हमने देख लिया। इसके आगे जो है हम अगली जो कक्षा है उसमें हम इसके आगे के जो प्रत्यय हैं उनके बारे में जानकारी करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।